हाउ आर यू? फाइन, ओके. ओपन योर जीके बुक. अपनी जीके की बुक निकालिए स्टूडेंट्स. पेज नंबर कौन सा है? 15. इसमें देखो 15 पेज नंबर. क्या टॉपिक है? फिटनेस मंत्र. फिटनेस मंत्र क्या होते हैं? जिसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे एरोबिक्स एक्सरसाइज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, ओके, जिम जाते हैं, योगा जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिटनेस मंत्र. जिससे हमारी बॉडी जो है फिट रहती है, हमारा स्वास्थ्य जो सही रहता है. ओके, आपको ये देखो नीचे पिक्चर्स दी गई हैं. कौन कौन सी है फिटनेस मंत्र, कौन कौन से हैं? पहले देखो जिम. जिम में हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, करते ना एक्सरसाइज, ताकि हमारी बॉडी जो है फिट रह सके. ओके, इसमें बड़े बच्चे जाते हैं जिम में. जैसे नेक्स्ट है वॉकिंग एंड रनिंग. ये वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या है, मॉर्निंग एट नाइट वॉकिंग भी करनी चाहिए और रनिंग करनी चाहिए, ताकि हमारा जो खाया पिया होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, हमारी सेहत सही रह सके. नेक्स्ट है योगा. हमें योगा भी करना चाहिए. ओके, क्या कर रही है ये? योगा कर रही है. हमें योगा पता है ना आपको क्या है? वो रामदेव बाबा जी करवाते हैं ना योगा, वो होते हैं योगा. तो हमें योगा करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी फिट रह सके. नेक्स्ट है एरोबिक्स. एरोबिक्स क्या होती है? एक्सरसाइज, कसरत. ये देखो कर रही है ना, हमें डेली कसरत करनी चाहिए सुबह उठ के मॉर्निंग में. ओके, नेक्स्ट है मेडिटेशन. मेडिटेशन देखो ये कर रही है. मेडिटेशन से क्या होता है? हमें रिलैक्स मिलता है, रिलीफ मिलता है हमारी, तो इसीलिए हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए. नेक्स्ट है आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स कौन सी होती हैं? बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, ये सब क्या है? आउटडोर गेम्स. हमें आउटडोर गेम्स भी खेलनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो है फिट रह सके. ये देखो फिट रहने के लिए मंत्र दिए गए हैं. कई देखो आपको पिक्चर्स दी गई हैं कई तरह के. हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, अपनी सेहत को स्वस्थ रख सकते हैं. जैसे जिम है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड है वॉकिंग एंड रनिंग, नेक्स्ट है योगा, एरोबिक्स, मेडिटेशन, आउटडोर गेम्स. ओके स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, देखना है और अपने पेरेंट्स को ये चैप्टर सुनाना है. ओके, बाय, थैंक यू.